अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, या मैं भी ठीक हूँ। तो मैं जा रही हूँ दादा शिवाजी बाग मम्मी के साथ में। मम्मी ने अभी तक जो नया वाला शिवाजी बाग बना है वो देखे नहीं है, तो मैं उनको लेके जा रही हूँ। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कितना बड़ा भाजी मार्केट है दादर में। शिवाजी बाग जैसे स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर हम लोग राउंड मारते हैं, तो वहाँ पे सामने। तो इसके लिए मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। एंड फिर ये शिवाजी बाग का ये जो राउंड मारने वाला है ये बहुत बड़ा है। एंड मैं इधर आ चुकी हूँ, मैंने इधर राउंड्स भी मारे हैं, तो ये बहुत बड़ा राउंड है। कम से कम 20-25 मिनट लग ही जाता है यहाँ पे राउंड मारने के लिए। एंड देख सकते हो आप लोग कि अम्ब्रेला से कितना अच्छा डेकोरेट किया, कितना अच्छा प्यारा लग रहा है ना। तो बस चलो चलते हैं। एंड पहुँचते ही साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्लाइमेट वगैरह कैसा था। गए, मम्मी ने ये वाला शिवाजी बाग देखा नहीं था अभी तक, और ये इतना ब्यूटीफुल बनाया, इतना ब्यूटीफुल बनाया। तो मैंने मम्मी को यहाँ पे लेकर आई हूँ, और यहाँ पे हमने सनसेट तो हो चुका था एक्चुअली, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। एंड क्लाइमेट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा तब प्यारा लग रहा था। और ये सारी नीचे जो स्टॉल्स लगती है ना, वहाँ नीचे हम लोग जा सकते, तो हम लोग थोड़ी देर के बाद जाएंगे। तो मैंने ऊपर से आप लोगों को दिखा दी हूँ कि यहाँ पे स्टॉल्स है, और देख सकते हो कि बैठने के लिए बहुत सही अवेलेबल सीट्स बना के रखा है उन्होंने, बेंचेस डाल के रखे हैं। एंड बहुत प्यारा तरीके से इधर बनाया है, बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। और देख सकते हो आप लोग यहाँ पे सब स्टॉल्स है, बट यहाँ पे ना जितनी भी मोमोज फ्रेंकी वगैरह चिकन के अवेलेबल थे सब बंद थे, और कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए, सिर्फ पानी पूरी, चना मसाला, भुट्टा, गोला और कुल्फ़ी वाले, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था। तो जो अवेलेबल था हमने वही खा लिया एंड वहाँ से निकल गए। तो आप लोग देख सकते हो कि क्लाइमेट कितना अच्छा है। ये मेरी मम्मी है जो इंजॉय कर रहे हैं व्यू का, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा व्यू था। देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा व्यू आया है, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। इतना कुदरत बोलते ना, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती बनाई है इस दुनिया में कि इंसान देखते ही खुश हो जाता है। तो थैंक यू अल्लाह ताला को कि इतना खूबसूरत बनाने के लिए। और क्लाइमेट तो इतना अच्छा प्यारा सा है, मैं भी जाके थोड़ा सा व्यू का मज़ा ले रही हूँ। और फिर हम वहाँ से निकल गए, फिर जब हम नीचे चले गए, नीचे देखा तो स्टॉल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई कि बहुत सारी स्टॉल्स बंद थी, सिर्फ 2-3 ही स्टॉल खुली थी, जो कि सब में पानी पूरी ही थी एंड वेज समथिंग पिज्ज़ा एंड सैंडविच था। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पर थोड़ा बहुत खाया, सबसे पहला मैंने चना मसाला ली, एंड फिर उसके बाद में मैंने दही पूरी ली, फिर मम्मी ने कुल्फ़ी लिए, मैंने गोला ली, और हम वहाँ से निकल गए क्योंकि कुछ खाने के लिए और कुछ अवेलेबल नहीं था। भुट्टा वगैरह तो हम खा ही रहे क्योंकि हर जगह अब भुट्टा मिलने लग गया है जब से बारिश है।
पी के इंजॉय करके आप लोग देख सकते हो कि क्लाइमेट कितना अच्छा लग रहा है। लाइट्स ऑन हो गई है और अंधेरा हो गया तो लाइट्स ऑन हो गया तो कितना और खूबसूरत दिखने लगा। तो हम लोगों के पास और भी बहुत ज़्यादा टाइम था तो मम्मी ने बोले चलो दादा स्टेशन घूम के आते हैं एंड तुझे मैं ना वहाँ पे ना अच्छे अच्छे ज्वेलरीज मिलते हैं जो मैं दिखाती हूँ। तो ये जो गहनों की दुकान है वो मैंने कभी देखी ही नहीं थी दादर में, मैं बस यही घूमती थी। और आप लोग देख सकते हो कि कितनी रश है, कितनी रश है और बहुत सच में बहुत भीड़ थी। वो तो छोड़ो, जिस गलियों में मम्मी मुझे ये लेकर जा रही थी तो मैं फर्स्ट टाइम देखी हूँ एंड ये गलियों में इतनी रश थी एंड मैंने आप लोगों के लिए क्लिप बनाई हूँ ताकि आप लोग भी जाओ और जाके प्यारे प्यारे नेकलेस, इयर रिंग्स एंड चूड़ियाँ सब कुछ मिलता है यहाँ पे, सब कुछ सब। और इतना अच्छा मार्केट है, मैंने पहली बार देखी। और आप लोगों को अगर पता है तो मुझे भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये शॉप पहले से पता थी, मुझे तो नहीं पता थी, मैं तो फर्स्ट टाइम देखी हूँ। तो देख सकते हो आप लोग कि गोल्ड प्लेटेड एंड गोल्ड ज्वेलरी सब इधर मिलती है और बहुत प्यारा प्यारा डिज़ाइन है इनका, बहुत ब्यूटीफुल सारी चीज़ें हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। हमने कुछ लिया नहीं, हमने क्योंकि अभी मेरी बहन की शादी थी तो यहाँ से ही आके मम्मी ने शॉपिंग कर चुकी थी। मम्मी बस मुझे ऐसे ही दिखाने लेकर गए थे कि यहाँ पे यहाँ सारी चीज़ें मिलती है तो तू भी देख ले और तुझे कभी लेना होगा तो तू भी लेना। देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा है ना। एंड यही शॉप से हम लोगों ने शादी के लिए ज्वेलरीज लेकर चले गए हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं कर सकती क्योंकि हर दुल्हन का ये होता है कि मैं शादी के दिन पहनूंगी तो ही दिखाऊंगी, उससे पहले नहीं दिखाऊंगी। तो सेम एज़ यूजुअल मेरी बहन का भी ऐसी ही है कि मैं अपने गहने नहीं दिखाऊंगी, शादी होगी तब दिखाऊंगी। एंड ये वाला जो नेकलेस है ना मुझे बहुत पसंद आया, एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया एंड मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने मम्मी को बोली बस लेना है, मतलब लेना है। तो मम्मी ने मुझे बोली कि अच्छा ठीक है ले लेना, अभी मतलब बाद में ले लेना। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है ओके। तो इसके साथ में ये बड़ा नेकलेस भी था और हम लोग सिंगल भी ले सकते हैं, खाली ऊपर का भी ले सकते हैं। तो मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत ब्यूटीफुल लगा। एंड आप लोग देख सकते हो ये सारे एडी के ज्वेलरीज है, बैंगल्स है, कितने प्यारे प्यारा है ना। और इसके आगे भी मैंने शो किया है जो एडी के नेकलेसेस है, जो ये सारी डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड आप लोग भी यहाँ पे जाना और देखना और परचेस करना, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी यहाँ से अभी जाके मेरी भी शॉपिंग नहीं की है अभी शादी के लिए, क्योंकि मेरी बहन की जो शादी है उसकी शॉपिंग चल रही है, उसी में हम लोग बिज़ी है। अपने लिए अभी हम लोगों ने कुछ लिया नहीं है तो अब जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं भी यहाँ से खरीदूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर पसंद करके आई हूँ एंड लेंगे। फिर ये झुमके देखो, वाह कितने प्यारे प्यारे झुमके थे, इतना अच्छा अच्छा ईयरिंग्स था। मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि आप लोग भी जाओ यहाँ से परचेस करो। ये गलियाँ समथिंग मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी तो आप लोगों को प्रॉपर लोकेशन दिखा दूँगी। कुछ ज़्यादा ही दूर नहीं है दादर में, जब हम लोग उतरते हैं टैक्सियों से सामने जो बीच बीच में से गली गई है उसमें से ही जाना है। तो मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा देख के ये मार्केट। और मुझे कमेंट करके बताना आप लोग ने भी ये मार्केट देखा है कि नहीं देखा है। एंड इन्जॉय करो, वीडियो देखो, मैंने आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लिप्स ली है ताकि आप लोग देख सको। जितनी भी लेडीज़ है एंड जितने भी भाई लोग हैं मेरे जो वीडियोस देखते हैं, अपनी वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए ख़रीदना है उनको कुछ गिफ्ट वगैरह, नेकलेस वगैरह, इयरिंग वगैरह, तो वो लोग भी यहाँ पे जा सकते हैं। एंड ब्यूटीफुल 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 चीज़ें यहाँ पे मिलती है तो देखकर खुश कर सकते हैं अपनी गर्लफ्रेंड, वाइफ, बेटी, बहन, जिसको भी देना है मतलब। तो देख सकते हो ये गली है, इसमें से हम जाने का, और आप लोगों को मैंने प्रॉपर तरीके से बता दी हूँ कि इसके बाजू में और सामने से ये लोकेशन है, आप लोग चले जाना और जो लेना है ले लेना। तो हम दादर मार्केट घूमे, कुछ चीज़ें ली हमने थोड़ी बहुत और फिर हम घर आ गए, बहुत इन्जॉय किया। और ये भी एक बहुत बड़ी गोल्ड की शॉप थी, यहाँ पे बहुत सारा सामान था एंड बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिज़ाइंस थी। दादर में तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली मिलती ही है और ये वाली दुकान तो भारी थी गली में। तो बहुत बहुत अच्छा लगा घूम के, बहुत मज़ा आई एंड इन्जॉय किए हमने। और कल की शाम बहुत अच्छी गई, ये वीडियो कल का है, आज अपलोड करने वाली हूँ मैं।
तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, और आप लोग भी जाके जल्दी जल्दी से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद के लेकर आ जाओ। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है ताकि आप लोग, और बहुत लोग तो दादर जाते हैं क्योंकि दादर ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे लोग मोस्टली जाते हैं, क्योंकि मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है, बट बहुत लोगों को अंदर की मार्केट नहीं पता है। तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि अंदर की भी मार्केट है, जो कि मुझे ही नहीं पता थी। मैं इतने बार जाती हूँ दादर, बट मुझे ही नहीं पता थी। मुझे भी फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा कि अंदर इतनी सारी दुकानें हैं, एंड अंदर होलसेल दुकान भी है। जिन जो भी लोग मतलब बिजनेस भी करते हैं ये गहनों का, जिन लोगों को लेना है वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे होलसेल रेट में मिलती है। तो आप लोग जा सकते हो, ले सकते हो, एंड देख सकते हो ये सारी इयररिंग्स है जो 100-100 रुपीज़ में थी। ये इयररिंग्स तो 50-40 रुपीज़ की थी, और जो मैंने शोरूम्स में आप लोगों को रिंग दिखाई थी वो महंगी थी, वो समथिंग 1,000-1,500-2,000 ऐसे रेंज में थी। तो बस हम लोग घर पहुँच गए। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।